सितंबर 2022 को प्रदेश के सभी मुख्यालय में इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की गलत नीति, गलत मंसूबे, भाजपा का रची गई साजिश को पर्दाफाश करना, बेनकाब करना और लोगों को अवगत कराना। तो ये सारी पूंजीपति को कर्ज माफ़ करके पूंजीपति को अमीर बना रहे हैं, गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों को मिटाने में मोदी जी लग गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। जेडीयू अब बीजेपी को पीछे करने में लगा। ये देखिए, पीछे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 27 तारीख को एक जागरूकता अभियान निकाल रही है। जिस तरीके से जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक बार फिर से जेडीयू जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि आगामी 27 सितंबर को जागरूकता अभियान निकालेंगे। बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ये जागरूकता अभियान होगा, जहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर एक बार फिर से बातें सामने आ रही हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, केरोसिन ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार जो जागरूकता अभियान है वो निकालेगी। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, पहले आप सुने। विषय पर जानकारी देने के लिए आप सभी को बुलाया गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है, हाल के दिनों में पार्टी की धार और रफ्तार को तेज करने के लिए कई स्तरों पर संगठनात्मक बदलाव किया गया है और क्षेत्र भ्रमण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का रूपरेखा तय किया गया है। इसी क्रम में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड विकास विरोधी भाजपा, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रही है लगातार, उसको पर्दाफाश करने के लिए 27 सितंबर 2022 को प्रदेश के सभी मुख्यालय में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया है। इस मार्च में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, स्थानीय नेता और माननीय विधायक सभी लोग उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की गलत नीति, गलत मंसूबे, भाजपा का रची गई साजिश को पर्दाफाश करना, बेनकाब करना और लोगों को अवगत कराना। बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को, संघीय ढांचे को कुचल रही है, नष्ट कर रही है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। भारतीय संविधान में इस तरह का अनुमति, एजेंडे का अनुमति नहीं देती है। धर्मनिरपेक्षता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण जो है महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसको लेकर हमारे अब देख रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से जो है खाने से लेकर ईंधन तक की कीमत में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिस कारण गरीब का चूल्हा जलाना कठिन हो गया है। भारत में पहली बार चावल, आटा, दही, पनीर इत्यादि पर जीएसटी का लगाया गया है, जिस कारण जो है गरीबों को कुपोषण और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, कुपोषण चरम सीमा पर है। नरेंद्र मोदी जी का भाषण ही हम लोगों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जितने भी उनका भाषण है सब खोखले हैं, जुमले हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं गरीबी मिटा देंगे और गरीबी को बढ़ा दिए। वर्तमान में मोदी सरकार 140 लाख करोड़ कर्ज लिया और
औसत यदि माना जाए तो प्रत्येक जो भारतवासी जो है प्रत्येक भारतवासी को 1,00,000 कर्जदार बोझ डाल दिया गया, कर्ज लिया भी नहीं लोग और कर्जदार हो गया। मोदी जी लगातार बोलते हैं कि रोजगार दूंगा, बड़े पैमाने पर रोजगार छीन लिए, वैकेंसी सरकारी वैकेंसी को कम कर दिया। मोदी जी बोलते हैं देश में नहीं बिकने देंगे और लगातार वो जो है जो भी सरकारी संस्थान हैं जो सब पूंजीपति के हाथ में बेच रहे हैं, जो जितने भी उपकरण हैं उपकरण सभी को पूंजीपति के हाथ में, तो ये सारी पूंजीपति को कर्ज माफ़ करके पूंजीपति को अमीर बना रहे हैं। गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों को मिटाने में मोदी जी लग गए हैं। सारी कृषि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इस जो किसान है जो हमारे अन्नदाता हैं वो आज हताशा और परेशान हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और भारत के जो भाजपा है, भाजपा के किसान नीति का के कारण जो है ये हो रहा है। तो हम लोग ऐसे नीति को विरोध करने के लिए 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर सभी जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम जो है सतर्कता और जो हमारा जन जागरूकता अभियान मार्च का आयोजन किया है और हम लोग सभी लोग इस पर लगे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और इसके लिए मैं सभी लोग से आह्वान किया है इस ही आपके बीच में। तो आपने सुना किस तरीके से उमेश कुशवाहा ने साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार तमाम लोगों को परेशान कर रही है, महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से झूठा दिलासा दे रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बूथ स्तर तक जागरूकता अभियान करेंगे जहां पर बिहार सरकार के मंत्री नेता विधायक तमाम लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 सितंबर 2022 को प्रदेश के सभी मुख्यालय में इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की गलत नीति, गलत मंसूबे, भाजपा का रची गई साजिश को पर्दाफाश करना, बेनकाब करना और लोगों को अवगत कराना। तो ये सारी पूंजीपति को कर्ज माफ़ करके पूंजीपति को अमीर बना रहे हैं, गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों को मिटाने में मोदी जी लग गए हैं। वर्तमान में मोदी सरकार 140,00,000 करोड़ कर्ज लिया और औसत यदि माना जाए तो प्रत्येक जो भारतवासी जो है प्रत्येक भारतवासी को 1,00,000 कर्जदार बोझ डाल दिया गया, कर्ज लिया भी नहीं लोग और कर्जदार हो गया। मोदी जी लगातार बोलते हैं कि रोजगार दूंगा, बड़े पैमाने पर रोजगार छीन लिए, वैकेंसी सरकारी वैकेंसी को कम कर दिया। मोदी जी बोलते हैं देश में नहीं बिकने देंगे और लगातार वो जो है जो भी सरकारी संस्थान हैं जो सब पूंजीपति के हाथ में बेच रहे हैं, जो जितने भी उपकरण हैं उपकरण सभी को पूंजीपति के हाथ में।